वेलकम टू अत्या इलेक्ट्रॉनिक। इस प्रोटीज सिमुलेशन में आज हम एक वेरी पॉपुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर LM358 को कंपैरेटर की मोड में कैसे काम करते हैं देखेंगे। पहले सिमुलेशन की सर्किट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वोल्टमीटर लगा के रखा है जो कि मेन डीसी सोर्स को दिखाएगा। जैसे कि हम बैटरी से यहाँ पे कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, और एक यहाँ पे वोल्टमीटर मैंने लगा के रखा है जो कि इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेज कितना है दिखाएगा। यहाँ पे भी और एक वोल्टमीटर लगा के रखा है जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेज शो करेगा। तो चलिए इस सर्किट को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये प्रोटीज सिमुलेशन है। रियल लाइफ में सर्किट इससे थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। तो मैंने LM358 की फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यहाँ पे इस्तेमाल किया जो कि पिन नंबर 1, 2 और 3 से बनता है। पिन नंबर 1 ऑपरेशनल की आउटपुट पिन है, पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग इनपुट है और पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। यहाँ पे R4 R3 दो रजिस्टर सीरीज में जुड़ा हुआ है और ये सीरीज में जोड़ के वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है। जब हम इनपुट में 12 वोल्ट दे रहे हैं तो इस वोल्टेज डिवाइडर के आउटपुट 1.97 वोल्ट आ रहा है जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को फिट किया गया। और R1 RB1 ये दो रजिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्शन करके दूसरा वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया जिसको R2-1 के रजिस्टर के थ्रू इन्वर्टिंग इनपुट में फिट किया गया जिसके साथ V1 वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये जो V1 वोल्टमीटर है ये इन्वर्टिंग इनपुट के साथ जुड़ा हुआ है और V2 वोल्टमीटर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ जुड़ा हुआ है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ पे कंपैरेटर के मोड में है। यहाँ पे और एक IC मैंने इस्तेमाल किया जिसका पार्ट नंबर है 7805। यहाँ पे 7805 मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि ये आउटपुट में हमेशा 5 वोल्ट फिक्स्ड वोल्ट देते रहे। कंपैरेटर जो है इन्वर्टिंग इनपुट, ये इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के बीच में वोल्टेज को कंपेयर करते रहते हैं। और अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में वोल्टेज इन्वर्टिंग इनपुट से ज़्यादा होगा तो ऑपएम्प के आउटपुट हाई होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। इन्वर्टिंग इनपुट में वोल्टेज है 1.67 और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में वोल्टेज है 1.97। तो इन्वर्टिंग इनपुट से नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेज ज़्यादा है जिसके लिए ऑपएम्प के आउटपुट हाई है। यहाँ पे LED ग्लो हो रहा है। जैसे जैसे इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से ज़्यादा हो जाएगा वैसे ही ऑपएम्प की आउटपुट लो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट की आउटपुट को हाई कर देते हैं। जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेज थोड़ा सा बड़ा हो गया, देख सकते हैं LED कैसे ऑफ हो गया। जैसे ही इन्वर्टिंग इनपुट की वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से हल्का सा कम हो गया तो ऑपएम्प की आउटपुट जो है हाई हो गया। इसी तरह एक कंपैरेटर काम करता है। ये मेरा ऑपएम्प के ऊपर पहली वीडियो है जो कि सिमुलेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया हूँ और उसका प्रैक्टिकल पार्ट भी है। चलिए एक बार प्रैक्टिकल पार्ट को भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्रैक्टिकल सर्किट। आपने जिसे प्रोट्यूस सिमुलेशन में देखा था उसी का प्रैक्टिकल सर्किट ये है। ये जो बड़ा वाला मीटर आप दिख रहे हैं इसको मैंने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ जोड़ दिया हूँ ये, और जो छोटा वाला वोल्टमीटर आप दिख रहे हैं मल्टीमीटर इसको इन्वर्टिंग इनपुट के साथ जुड़ा हूँ। तो चलिए इसका प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होता है।
इनवर्टिंग इनपुट में हमें वोल्टेज दिख रहा है 1.970 और नॉन इनवर्टिंग इनपुट में हमें वोल्टेज दिख रहा है 1.523। जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज की वेरिएशन करेंगे, ये देखिए इनवर्टिंग इनपुट में वोल्टेज है 1.804 और नॉन इनवर्टिंग इनपुट में वोल्टेज है 1.818। जैसे कि हमने प्रोटीस में देखा था, इनवर्टिंग इनपुट से अगर नॉन इनवर्टिंग इनपुट में वोल्टेज ज़्यादा होता है तो ऑपएम की आउटपुट हाई होता है। ये जो आप सर्किटरी दिख रहे हैं, दो मॉस्फेट दिख रहे हैं, ये प्रोटीस में मैंने नहीं दिखाया और ये डायोड को नहीं दिखाया। ये डायोड जो मैंने लगा चुका हूँ यहाँ पे, ये पोलैरिटी के लिए मैंने लगाया है और ये दो मॉस्फेट हाई पावर करंट हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो मैं बोल रहा था कि जैसे ही इन्वर्टिंग इनपुट से नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में वोल्टेज बढ़ जाता है, हमारा ऑपएम की आउटपुट हाई हो जाता है और जैसे ही इन्वर्टिंग इनपुट में नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से वोल्टेज कम हो जाता है, ये देखिए ऑपएम की आउटपुट लो हो जाता है। ये इन्वर्टिंग इनपुट में अब वोल्टेज 1.985 और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में वोल्टेज है 1.899। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं जैसे ही वोल्टेज यहाँ पे कंपैरिजन होता है, बढ़ता है घटता है, वैसे ही ऑप एम्प की आउटपुट भी हाई लो होते रहते हैं। मैंने प्रोटीस में 7805 ये आईसी का इस्तेमाल क्यों किया वो मैंने नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये 7805 जो है आउटपुट में हमेशा 5 वोल्ट देगा, तो हम इसको रेफरेंस वोल्टेज की तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये रेफरेंस वोल्टेज हमें देगा जो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। और ये जो 5K1 और A1K, ये दो रेजिस्टर मिल के यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट कर रहा है, जो कि यहाँ पे जितना वोल्टेज रहेगा, अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज बढ़ेगा, अगर यहाँ पे वोल्टेज घट जाएगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज बढ़े या घटे, यहाँ पे हमेशा 5 वोल्ट हमें मिलता रहेगा, जिसको हम फिक्स्ड करके रेफरेंस वोल्टेज बना लेते हैं, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो ये था ऑपरेशन एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर। ये एक शॉर्ट प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन है और आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में इसी कंपैरेटर के मदद से सोलर बैटरी चार्जर, टेम्परेचर कंट्रोल, फैन, ये सब सर्किटरी खुद बना के, प्रैक्टिकल में बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा।